कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा बयान, किसानों का कर्ज माफ करेगी हमारी सरकार। आज प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने किसान कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी का संकल्प पूर्व कमलनाथ सरकार का था, लेकिन उस वादे को हमारी सरकार पूरा करेगी। दरअसल आज गोपाल भार्गव कृषि मंडी परिसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आए थे। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर और गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। आपसे कहना चाहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में बैठकर जिन मुद्दों के लिए उठाया था, आज भारतीय जनता पार्टी इस बात की सौगंध लेती है, चाहे वो किसानों के कर्ज का माफ करना हो, आपके 2 लाख तक का कर्ज भले ही कांग्रेस ने नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम अपनी सरकार बना कर करना। उन्होंने कसम खाई थी कि हम बेकारी भत्ता देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी अधिकतम हो सकेगा हम इस वचन के लिए निभाएंगे। वचन उनका था, निभाएंगे हम। उन बेटियों के लिए जिनके हाथ पीले रह गए, शादियां हो गई, भाव पड़ गई, यहीं पे होंगी बहुत सी, जिले में होंगे बहुत से, 27,000 बेटियों की शादियां हो गई, 1 रुपया भी उनके लिए नहीं मिला, रोते हुए घर में बैठी है। दर्जनों विषय ऐसे हैं जिनके कारण से परिवर्तन करना पड़ा, और इस कारण से यदि ये सरकार 5 साल चल जाती कमलनाथ जी की, राज्य को बेच देती, ये स्थिति थी। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता कि क्षेत्र का विकास और तरक्की यदि करना है, और वो तो पहले ही हम लोग